हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट से दैट द फिगर शो ए प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फोर ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल में ये ग्राफ है। इस ग्राफ में जो हम ये 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, और इस ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दो हैं। एक तो ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, इसका मतलब एक ही मेटल सरफेस के लिए तीन ग्राफ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि डिफरेंट रेडिएशंस हैं, तीन अलग अलग टाइप के फोटोन्स हैं। इसको समझ क्वेश्चन को समझने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा। तो पहले हम ग्राफ को समझते हैं, फिर स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ग्राफ में फर्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क फंक्शन, तीनों ग्राफ के लिए सेम है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो हम यहाँ पर पहले कंपेयर करते हैं ग्राफ को। तो मैं ए एंड बी को कंपेयर करता हूँ। ए और बी में अगर हम देखते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ग्राफ का यहाँ पर एक ही पॉइंट पे है, इसका मतलब दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और वर्क फंक्शन तो वैसे भी सेम है, तो इससे ये हमें पता लगा दैट दोनों का जो इंसिडेंट एनर्जी है वो भी सेम है, या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो भी दोनों का सेम है। सेम एनर्जी का सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हुआ, वर्क फंक्शन तो मेटल के लिए सेम है ही, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वहाँ पे सेम होगा, या एमिटेड काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम होगी। ए और बी ग्राफ को अगर फर्दर हम आगे देखते हैं तो बी ग्राफ थोड़ा ऊपर कट कर रहा है, इसका मतलब बी ग्राफ में फोटो करंट ज्यादा है, तो फोटो करंट ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन द ए। और फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बी वाला जो रेडिएशन उसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन बी में ज्यादा है कंपेयर टू द ए। ये सब इंफॉर्मेशन हमें कंपेरिजन से पता लग गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं सी और बी को। सी और बी में अगर हम कंपेयर करें तो सी और बी दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग है। सी का थोड़ा ज्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सी का बी के कंपेयर में ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सी इलेक्ट्रॉन, सी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको रोकने के लिए ज्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, इनका मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। वो तभी पॉसिबल है जब उन्हें एनर्जी ज्यादा मिला होगा, तो इंसिडेंट एनर्जी सी को ज्यादा मिला कंपेयर टू बी, बिकॉज वर्क फंक्शन इज सेम। डब्ल्यू अगर सेम हो तो इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ईवीएस, ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं। और इंसिडेंट एनर्जी को हम न्यू फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी पार्ट। तो अगर हम सी और बी का बात करें तो सी और बी दोनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर, इसका मतलब दोनों में जो फोटो करंट है वो सेम है। इसका मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट उसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो सेम अमाउंट में है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सेम। तो ये सब पॉइंट्स हमें यहाँ पर ग्राफ से पता लगे। अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। ए और बी में फ्रिक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, सही है बिल्कुल। बी है कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो बी और सी में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी डिफरेंट नहीं है, सेम है यहाँ पर, सो बी ऑप्शन विल बी रॉन्ग। कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी हैविंग सेम इंटेंसिटी। तो बी और सी में जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, तो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगी यहाँ पर, सो सी विल बी रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन है कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो फ्रिक्वेंसी सेम होगा क्योंकि ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, ए विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।